हेलो फ्रेंड्स आर यू आई थिंक उल आर फाइन सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो टेक्निकल लेक्चरर के यानी फाइनेंस ऑडिटर अकाउंट्स के लेक्चर के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था बारह जून को ये एग्ज़ाम हुआ था तो इस पेपर को हम, हम इसमें फुल एनालाइज करेंगे विद आंसर की कि क्या क्या जो है इसमें हंड्रेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट टू में नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आपका क्या स्कोर बनता है ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्यों क्योंकि उनको जो कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ नए क्वेश्चन में ऐड हुए हैं उनको उनकी भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो चलते हैं और चेक करते हैं फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन के आंसर्स को सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेयर इंटरेस्ट रेट पर वन प्लस आर एन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा तो ये जो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्योंकि इससे हमें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर माइनस में होता तो हमारा क्या आ जाता प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा सो ये सबसे पहले थैंक यू कर देते हैं ये हमारे एक फ्रेंड्स ने दिया था उन्होंने हमारे पास सेंड किया है तो ये जो निशान लगे हुए हैं आप इनके अकॉर्डिंग सभी आंसर आप मत जानना कि यही राइट आंसर हैं ये जो वो लिख के आए हैं वो राइट right आंसर इसमें उन्होंने जो है प्रेजेंट किए लेकिन मोस्टली जो है क्वेश्चन उनके राइट ही हैं क्योंकि तो अच्छी नॉलेज है उनको इस चीज़ के बारे में भी सो एक्स वाई जेड इज एन ऑयल बेस्ड बिजनेस कंपनी विच डज़ हैव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इट फास्ट टू मीट इट्स करंट ऑप्लीगेशन विच लीड्स टू बैंक क्रेमसी आई आइडेंट टाइप ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व टू प्रेजेंट रिस्क ऑफ बैंक्रमसी तो देखो जो हमारी जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं लिक्विडिटी डिसीजन के अंतर्गत आते हैं इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड या फाइनेंस डिसीजन वो हमारा किसका पार्ट हो जाते हैं लिक्विडिटी डिसीजन का पार्ट हो जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके बाद है रमेश इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग वन ऑफ द थ्री स्टॉक्स तो ये रिटर्न दी हुई है ये बेटा बीटा दिया हुआ है तो स्ट्रिक रिस्क मिनिमाइजर जितना ज़्यादा बीटा होता है उतना ही हमारा जो रिस्क है वो भी क्या होता जाता है ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न के चांस भी ज़्यादा ही होंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इफ़ रमेश इज स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर तो अगर वो रिस्क को कम करना चाहता है इट वुड चूज़ स्टॉक तो वो कौन से स्टॉक को चूज़ करेगा सो so, सबसे जो कम है बीटा वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में तो वो किसको चूज़ करेगा ए को करेगा क्योंकि वो रिस्क मिनिमाइजर है इफ़ इट इज़ वुड टू बी हेल्ड इन आइसोलेशन एंड स्टोक डेस्क इफ़ इट इज़ टू बी हेल्ड एज पार्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए एंड सी क्योंकि फिर यहाँ पे जो है वेल डाइवर्स सबसे ज़्यादा रिटर्न तो हमें किस पे मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहे हैं लेकिन रिस्क जो है उसमें हमारा मिनिमाइजर करने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें सी आ जाएगा तो इसका थर्ड का जो हमारा आंसर रहेगा एंड सी उसके बाद है फोर्थ ए बी सी लिमिटेड हैज़ डेफ टू इक्विटी रेशियो टू पॉइंट सिक्स कम्पेयर विद द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ टू पॉइंट फोर दिस मीन्स दैट द कंपनी तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द ग्रेटर दैन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क वैन कंपेयर टू द अदर फार्मिंग एट्स इंडस्ट्रीज क्योंकि इंडस्ट्रियल एवरेज जो अदर कंपनीज की है वो टू पॉइंट फोर है लेकिन जो हमारी है वो टू पॉइंट सिक्स है तो ग्रेटर है फाइनेंशियल रिस्क हमारा अदर इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले उसके बाद है फिफ्थ कंसीडर ए प्रोजेक्ट दैट हैज़ नॉर्मल कैश फ्लो विद वन आउटफ्लो फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इनफ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट तो इसका आंसर द हायर द वर्किंग एवरेज लोअर द कैलकुलेशन एन पी वी विल बी तो हायर अगर डब्ल्यू ए सी होगी तो एन पी वी क्या आएगी उसकी लोअर आएगी तो आंसर नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा राइट right आंसर उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ ओवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बैंक तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है ये सब्सिडीज पार्ट है और ये बना कब था नाइनटीन एटी एट में हमारा जो है नेशनल हाउसिंग बैंक बना था उसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन विथ विद रिगार्ड्स टू ट्रेजरी बिल विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट तो ट्रेजरी बिल हमारा क्या होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है आर के द्वारा इशू किया जाता है किसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो ट्रेजरी बिल इसमें क्या मेंशन है ट्रेजरी बिल कैन बी इशूड बाय बिग कॉरपोरेट हाउस जी नहीं बिग कॉरपोरेट हाउसे शू नहीं करती इसको कौन करती है आरबीआई बी आई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए और इन्वेस्टर कैन आल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है बट जो हमारा फर्स्ट मेंशन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंगज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक तो इन्वेस्टमेंट बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प टू कंपनी इन द इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी सही है इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विस टू दियर क्लाइंट इन्वेस्टमेंट बैंक पार्टिसिपेट्स इन स्टॉक मार्केटिंग लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो लोन डिसबर्समेंट नहीं है इसके बाद टेंथ क्वेश्चन नाइन्थ रिगार्डिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज़ इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट तो मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स बिल्कुल सही बात है मैचोरिटी इन दिस मार्केट रेंज फॉर ओवर नाइट टू वन ईयर ये भी बिल्कुल सही है द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी मार्केट इज टू प्रोवाइड एफिशियंट लिक्विडिटी पोजिशन टू कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनीज कॉरपोरेट एट्सेट्रा मैचोरिटी इन दिस मार्केट इज अबोव वन ईयर तो ये क्या हो गया ये हमारा हो गया रोंग यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टेंथ ऑल अदर थिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश ऑन ए कंपनीज बैलेंस शीट तो कंपनीज सब कुछ कॉन्स्टेंट रहता है सिर्फ ये चेंजेस करते हैं तो किस से कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है इंक्रीज़ की बात कही गई है तो परचेज़ ऑफ ए न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट इससे नहीं होगी क्यों क्योंकि इससे जो हमारा कैश होगा वो क्या होगा कम होगा रीपरचेज ऑफ कॉमन शेयर से भी नहीं होगी कंपनी पे ए डिविडेंड डिविडेंड पे करती है तब भी क्या होता है कैश डिक्रीज़ होता है बट ईश्यू ऑफ न्यू स्टॉक बाय ए कंपनी तो इससे हमारा जो कैश फ्लो है वो क्या होता है इंक्रीज होता है तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इलेवन जैसरी रिस्टेंटली रिपोर्टेड नेट इनकम फोर लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंडशन गिवन हाउ मच वाज इट्स नेट कैश फ्लो अज्यूमिंग इट हैड नो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड आल्सो एज्यूमिंग दैट इट हैड द पीरियड तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा अगर आपका निकल आता है तो राइट है अगर नहीं निकल के आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द मैनेजर ऑफ फ्रेश ड्रिंक्स स्टेट दैट ही इज वेरी कंसर्न विद द कॉन्टीन्यू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ द कंपनी मेजर प्रोडक्ट एंड एप्पल जूस सोडा द मेजर हैज़ द मैनेजर हैज़ आक्स एन एक्सपर्ट फॉर असिस्टेंट इन फाइडिंग द रीजन्स फॉर द सेल्स डिक्लाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू बी गन वुड बी विद तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्योंकि कॉन्टिन्यू क्या हो रही है डिक्लाइन हो रही है तो जो इसके रीज़न है वो हम फाइंड करें तो एक्सप्लोर करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारा इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन भी तो जो वेरिएंस की जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो पूछेगी है तो अगर वेरिएंस नहीं है वही लोवेस्ट वैल्यू होगी और उस टाइम पर हमारी क्या होगी वैल्यू जीरो होगी तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उसके बाद है फोर्टीन ए कंपनी वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स एंड सेल्स रिवेन्यू दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ये किस एग्जाम्प आ, हमारी कौन सी रिसर्च का एग्जाम्पल है ये हमारी कैजुअल जिसमें कि रिसर्च के जो इफेक्ट हैं एंड रिजल्ट उसको स्टडी किया जाता है तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी उसके बाद फिफ्टीन इफ ए स्टेटिकल्स टेक्सट इज सिग्निफिकेंट इट मीन्स दैट इफ ए स्टेटिकल्स टेस्ट इज सिग्निफिकेंट इट मीन्स दैट तो जो स्टेटिकल टेस्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो किस में चेक की जाती है मत द रिसर्चर कैन जर्नलाइज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी विद ए प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट कोलेक्टिवली इज कार्ड तो इसको हम क्या बोलते हैं जब हम क्या करते हैं ऑल पॉसिबल्स आउटकम्स देखते हैं जैसे अगर हम हेड या टेल देख रहे हैं कि कितनी बार हेड या टेल आएगा तो अगर सिक्कों को उछाला जाता है तो किस तरह से देखते हैं कि या एक में हेड आ सकता है एक में टेल आ सकता है या फिर दोनों में टेल आ सकता है या फिर दोनों में हेड आ सकता है या फिर टेल या हेड आ सकता है तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ को निकालते हैं इनको हम इनको कोलेक्टिवली हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं तो आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी by the question number 70 a researcher was interested in on job stress level of employees while performing a particular task she took the same group of 120 employees from three different age group and measured their NAJT of 100 the data was normally distributed which test should she use to compare the energy level of employees belonging to the different age group.

तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज़ तो अगर हम न्यू प्रोडक्शन नए कहीं पर भी अगर न्यू प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड और अगर पुराने में ही इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच इज नोट द मेथड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कौन सा मेथड नहीं है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की भाई एक इंप्लॉयज़ की जगह पर अगर दूसरा एम्प्लॉयज़ हम रिप्लेस करते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट मैथड अफॉर्चुनिटी कॉस्ट मैथड्स ये तीनों ही मेथड्स हमारे किसके होते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के होते हैं बट ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड हमारा नहीं होता है तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेटिकल टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमीटिंग ए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जब हम चेक करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं हम एल्फा के थ्रू करते हैं और वो हमारा किस में होता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा टाइप वन एरर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द वल्ड सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदरवाइज इज़ नोन एज तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंटरनल कंट्रोल सो so, जिस भी क्वेश्चन के आंसर पर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि कोई दूसरे स्टूडेंट्स की भी जो गलती है वो ना हो सो so, उसके बाद है ट्वेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है ए आर और एम आर का जो रिलेशनशिप है वो सो वैन एम आर इंक्रीज ए आर जब एन ए आर इंक्रीज हो रहा होता है तो वहाँ से क्या है मार्केट करता है बिल्कुल सही बात है और व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर तो ए आर उस टाइम पे क्या होता है मैक्सिमम होता है व्हेन एम आर इज़ लोअर देन ए आर ए आर फॉल्स ये भी सही है ए आर कैन बी नेगेटिव बट नोट एम आर तो ये बात गलत है क्योंकि ए आर जो है वो हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता एम आर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है बट ए आर हमेशा क्या रहता है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उसके बाद ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट indifference curve intersect with each other higher indifference curve represent the higher level of सेटिसफैक्शन तो ये बिल्कुल सही बात कही गई कि हायर इनडिफरेंस कर्व है तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या होगा हायर होगा इनडिफरेंस कर्व आर कन केव टू द ओरिजन तो ना तो वो उनका स्लोप अपवर्ड होता है किस तरफ होता है उनका स्लोप डाउनवर्ड होता है और कर इंटरसेक्ट भी कभी भी नहीं करते और जो इंडिफरेंस डिफ्रेंस क्या होते हैं कनकेव टू ओरिजिन नहीं होते वो क्या होते हैं कन्वैक्स होते क्योंकि कनकेव का जो है इस तरह का स्लोक होता है उसके बाद है एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर थोरी इन एब्सेंस ऑफ टैक्स द वैल्यू ऑफ फार्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इसका जो आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा रिमेन सेम इन द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज तो ये दोनों क्या रहती हैं हमारी सेम रहती हैं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा वैन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन सेवन परसेंट बीटा की वैल्यू है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछी गई है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी नाइन्टी परसेंट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म तो प्लेगरिज्म का कौन सा एक्ट नहीं है प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी दूसरे के द्वारा जो कुछ बनाया गया है जो डाटा है या उसको हम क्या करते हैं अपने अपने नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं प्लेगरिज्म ये एक टाइप की चोरी आप इसको बोल सकते हो तो प्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ अदर्स एज ओवन बिल्कुल सही बात की गई है लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया नोट no, पूछा गया तो ये किसके अंदर आता है प्लेगरिज्म प्रोडक्टिव ओवन एकेडमिक वर्क विदाउट एक्नोलॉजी द सोर्स यानी कि उसको बगैर बताए उसके काम को हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं अपने नाम से प्रेजेंटिंग एज ओरिजिनल एंड न्यू आइडिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर ड्राइंग द कंटेंट फ्रॉम अदर वर्क विद ड्यू एक्नोलेजमेंट तो ये आंसर आ जाएगा ये क्या है प्लेगरिज्म नहीं है अगर हम किसी के कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका जो अपने नाम से नहीं यानी कि जो उसकी उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए वो उसको देकर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको हम प्लेगरिज्म नहीं कहते उसके बाद है ट्वेंटी एट विच टेस्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ एनोवा वैन द अजम्पन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड होमोजुनिटी आर नॉट सेटिस्फाई तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रूसल वॉल्स टेस्ट उसके बाद वट विल द वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट ऑफ कोरेशन वैन रिग्रेशन कोफिशेंट रिग्रेशन कोफिशन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स एक्समेंसन्स हैं तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया गया है सो so, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर द नंबर ऑफ सबोर्डिनेट विच एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज इफेक्टिव इज नोन एज पेन ऑफ मैनेजमेंट उसको हम बोलते हैं उसके बाद थर्टी फर्स्ट देखो इसमें क्या है हम अगर आपको नहीं पता है तब भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो देख सकते हो क्योंकि ह्यूमन रिलेशन का अगर कहीं पे भी नाम आता है तो एल्टन मायो का नाम उससे जुड़ा होता है और डिफरेंशियल पीट रे सिस्टम से हमारा किसका नाम जुड़ा हुआ है एफ़ डब्ल्यू टेलर का सो so, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट right आंसर दिया हुआ है एक्सपेक्टेसी थ्योरी जो है हमारी किसने दी थी विक्टर ब्रूम ने दी थी और पाथगोल थ्योरी जो हमारी दी थी वो रॉबर्ट हाउस ने दी थी तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसका उसके बाद विच वन ऑफ द इज नोट द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ऑपरेटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलपमेंट और प्रक्यमेंट ये तीनों ही हमारे क्या है ऑपरेटिंग फंक्शन है ये डायरेक्टिंग जो है ऑपरेटिंग फंक्शंस के अंडर नहीं आता है उसके बाद है प्रोसेस स्टेबलाइज टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रो नेगोशिएबल बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ इसको हम क्या बोलते हैं कोलेक्टिव बारगेनिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सामूहिक सोतेबाजी कि वर्क फोर्स ग्रुप है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर और इम्प्लॉयीज़ के बीच में क्या कर रहे हैं जो उनको मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो रूल्स वगैरह के उनको चाहते हैं वो उनमें थोड़ा सा चेंज करना तो वो हमारा किसके अंदर आता है कोलेक्टिव बारगेनिंग के अंदर आता है अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर मर्जर ऑफ बैंक तो जो हमारा सिंडिकेट बैंक है ये हमारा किसके अंदर मर्ज हुआ था ऑप्शन नंबर फोर केनरा बैंक के अंदर एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंडियन बैंक के अंदर तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो आ जाएगा सॉरी तो अब थर्टी फाइव फिफ्थ क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मनी मार्केट डज नॉट डील विद ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि मनी मार्केट में लेस देन वन इयर्स का क्या किया जाता है इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेजरी बिल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है जिसको हमने पहले समझा कमर्शियल बैंक भी इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या तीनों ही पार्ट होते हैं किसका मनी मार्केट का बट शेयर जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा उसके बाद डैश ए मार्केट इज ए क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विद आर क्लोजली रिलेटेड इन माइंड ऑफ कंज्यूमर बट आर नॉर्मली थ्रू मैनी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हमार हम कहीं कहीं पर कुछ सामान लेके जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और सामान भी हम क्या करते हैं वहीं से परचेज कर लेते हैं जैसे कार अगर परचेज करते हैं इंश्योरेंस वगैरह या फिर और जो सब्सिडीज गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनको भी हम वहीं से परचेज कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मेटा मार्केटिंग ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यानी कि उससे रिलेटेड सभी चीज़ें हमें उसी मार्केट में मिल जाती हैं उसके बाद थर्टी सेवन इंट्रोडक्शन ऑफ different combination of product at different price and package size to tap market opportunity is called product to differentiation। uske baad ए person by giving a threat to commit suicide induce his wife and person to execute a deed in favor of his brother in respect of certain properties this is case of तो इसको बोलते हैं coercion यानी कि उसके ऊपर क्या लगाया गया है उसके ऊपर दबाव डाला गया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद थर्टी नाइन ए सेज टू बी इन द प्रेशर ऑफ एंड विद इन द दियरिंग ऑफ सी दैट ही इज सीज एजेंट सी रिमेन बी सप्लाइड गुड्स वन लैक टू ए टेकिंग हिम एज सीज एजेंट सी इज रिस्पॉन्सिफॉर द प्राइज ऑफ गुड्स दिस इज केस ऑफ एजेंसी तो इसको हम बोलते हैं स्टोपल तो ये किसका एजेंसी ऑफ स्टोपल इस इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद है डॉक्ट्रेन ऑफ कॉमेंट एम्पिटर का मीनिंग क्या होता है ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है जो सामान खरीद रहा है उसको उस चीज़ों के बारे में खुद से नॉलेज है द बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेल उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन माइनर बोरोड टेन थाउजेंड एज ए फ्रोलेंट रिप्रेजेंट दैट ही वाज माइनर क्रेडिटर शो द माइनर एंड रिकवर द मनी और रीजन क्या दिया गया है एन एग्रीमेंट विद इन माइनर इज वर्ड एंड शो ए माइनर इज नॉट लाइबल टू रिपे एनी मनी दैट द माइट कॉन्ट्रैक्ट तो इस ये दोनों ही क्या बात कही गई है सही कही गई है ए और बी दोनों ट्रू है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट दिया गया है कि अगर वो माइनर होता है तो उस टाइम पे उस टाइम पे जो भी उसने पैसा लिया है या नहीं लिया तो उनके लिए उसको जब वो मेजर हो जाता है तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता उसके बाद है हमारा फोर्टी टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड एक्सटेंड टू दोल ऑफ इंडिया उसके बाद है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपटीशन एक्ट 2002 तो कौन सा जो है 2002 थाउजेंड टू कम्पिटिशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है राइट नहीं है देखो किसकी जगह पे आया था एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन की जगह पर आया था स्टेबलाइज ऑफ कमीशन टू बी कॉल्ड कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कमीशन है उसको क्या बोलते हैं कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द कमीशन सॉरी द कमीशन टू कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मिनिमम टू एंड मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं टेन अदर मेंबर होते हैं ठीक है तो चेयरमैन एंड मिनिमम टू एंड मैक्सिमम टेन इसके अंदर मेंबर होते हैं ए बी सी एंड तीनों राइट हैं बट डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो राइट right नहीं है द चेयरमैन एंड अदर मेंबर सेल नोट भी फुल टाइम मेंबर क्योंकि वो क्या होते हैं हमारे फुल टाइम मेंबर होते हैं उसके बाद है फोर्टी फोर एक्स ए फोर नेशनल नोट बिंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू इंडिया फ्राम द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल फर्स्ट फिफ्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन डूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर में जो डेट दे, दे दिए गए हैं इनमें जो है उसके थ्री सिक्सटी फाइव से मैक्सिमम बनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे रेजिडेंट बोलेंगे सो so, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव प्रोफेसर सुरेश मिनोन रिसिव्ड ए बिल्डिंग as a gift for, from his father the building was used by his father in his own business he was acquired by his father five lakh and his fair market value is six lakh his father has claimed depreciation 260 determine the cost of building on which professor suresh menon can be charged depreciation उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ नॉट इनकम फ्रॉम अदर तो नॉट इनकम ये लो के क्वेश्चन गए इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेशन में द वैल्यू ऑफ़ गुज इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमडेशन प्रोवाइड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉइज इज इक्वल टू द लाइसेंस फीस द रेंट फ्री रेजिडेंशियल प्रोवाइड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जेप्टेड द टेस्ट तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है करेक्ट है उसके बाद आंसर आ जाता है हमारा